हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में फाइनली जो है रेडमी उनकी नोट 13 प्रो सीरीज जो है जल्दी लॉन्च करने वाला है। फाइनली गाइस, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स एंड लीक्स जो है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के जो है बाहर निकल के आ गए हैं कि ये फोन जो है इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने वाला है। गाइस, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 13 प्रो सीरीज के लॉन्च डेट के बारे में। तो बेसिकली गाइस, ये जो सीरीज है ना, जनवरी मंथ के अंदर जो है लॉन्च होने वाली है। और गाइस, इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, इंडियन मार्केट में जो है धूम मचा सकती है। उसमें से जो इनका टॉप मॉडल होगा वो होगा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो आपको जो है कुछ इस टाइप का जो है लुक एंड डिजाइन देखने को मिलेगा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस का। गाइस, नो डाउट लुक वाइज में जो है यहाँ पे कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। जहां पर बात करते हैं बैक डिजाइन के बारे में, लेदर फिनिश आपको देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल जो है काफी इंटरेस्टिंग एंड फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, आपको मिलता है वही पंच होल स्क्रीन जो कि उनका एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले साइज है, स्टैंडर्ड डिजाइन है जो कि है 6.67 इंच का डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट। गाइस, डिस्प्ले वाइज में एंड डिजाइन वाइज में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइस यहां पर चिपसेट यूज होने वाला है मीटर का डायनेमिक 7200 चिपसेट। गाइस, लिटरली जो है इस फोन का जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा और कॉम्पिटिशन ब्रांड को इजिली जो है टक्कर दे सकता है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, मिलने वाला है यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप जहां पर प्राइमरी सेंसर होगा 200 मेगापिक्सल के साथ में। एंड वहीं बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा के परफॉर्मेंस के बारे में, तो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का आपको जो है मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। एंड गाइस, वहीं बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, आपको मिलने वाला है यहां पे 16 MP का फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस। और जो पैकेज है ना गाइस वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूनिक आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में एंड वेरिएंट्स के बारे में एंड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, गाइस आपको बैटरी मिलने वाली है यहां पे 5000 mAh की बैटरी, 120 W चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है। एंड गाइस, अगर हम वहीं बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट्स के बारे में, आपको जो है 6 GB 8 GB आपको जो को मिल सकता है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, आपको मिलने वाला है यहां पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि लिटरली जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, ओवरऑल अगर पैकेज के बारे में बात करते हैं ना यहां पे, तो इसका डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमरा परफॉर्मेंस में जो है कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है चार्जिंग आउटपुट आपको जो है 120 W के साथ में जो है देखने को मिलेगा। मतलब पैकेज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे बताना कि आपकी जो है क्या एक्सपेक्टेशन है इस फोन के बारे में, कि ये फोन जो है कितनी प्राइस तक का जो है लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में। एक्सपेक्टेड जो प्राइस है ना वो यहाँ पर जो है लगभग 27-28,000 रुपीज के आसपास जो है ये फोन लॉन्च होने वाला है, मतलब 25,000 से हल्का सा जो है ऊपर होने वाला है। लेकिन गाइस, अगर ये 25,000 के आसपास आता है ना, तो गाइस जो है धूम मचाने वाला है, कंपटीशन मार्केट को जो है टक्कर दे सकता है। तो गाइस, आज के वीडियो में यही था, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे बताना क्या मानना है इस फोन के बारे में, क्या आप वेट करना चाहोगे इस फोन का या फिर जो है नहीं, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।